हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेनोग्राफी क्या है, स्टेनोग्राफी को हम कितने समय में सीख सकते हैं, स्टेनोग्राफी सीखने के बाद हम कहां कहां जॉब कर सकते हैं, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हैं और आप मेरे चैनल में जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, मेरा मतलब है कि जब हम हिंदी माध्यम में या हिंदी सीखते हैं तो हम आ से ज्ञ तक के वर्णाक्षर सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हम ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार शॉर्ट हैंड में हम लैंग्वेज सीखने के लिए अ से ज्ञ तक हम उसको शब्द चिन्ह, उसके चिन्हों को कैसे लिख के हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम इन चिन्हों को कैसे लिखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है नोटबुक जो कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी पेंसिल, ये हमारी पेंसिल और ये हमारा शार्पनर है। तो आइए जानते हैं कि शॉर्ट हैंड हम कैसे लिखेंगे। तो अब मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए जानते हैं का कैसे लिखेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वर्णाक्षर लिखने के लिए हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक लाइट और डार्क, एक कट और बिना कट। आइए अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जैसे कि मैं ये का लिखा है तो इस का को हम लाइट एकदम लाइन पर लिखेंगे, ठीक है, इसमें ना कोई कट होगा और ना ही डार्क लिखा जाएगा। जबकि अब हम खा में आते हैं तो यही खा हम लाइट लिखेंगे और इसको हम कट कर देंगे, ये हमारा खा कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गा है तो इस गा को हम डार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इसकी। अब जैसा कि हमने गा बनाया है ठीक उसी प्रकार हम घा बनाएंगे और घा में कट लगाएंगे। अब आपने जैसा कि देखा होगा कि ख और घ में कट लगाया हुआ है जबकि का और गा में कोई कट नहीं है, लेकिन का में लाइट लिखा हुआ है और गा में डार्क लिखा हुआ है। जबकि इसी प्रकार ख में हमने लाइट कट लिखा हुआ है और घा में डार्क कट लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं अंगा को हम कैसे लिखेंगे। तो अंगा को हम डार्क ऐसे हाफ सर्कल के रूप में लिखेंगे, जैसे हम चंद्रमा देखते हैं ना, हाफ सर्कल होता है ऐसे, तो हम इसको डार्क पेंसिल से करते हुए अंगा लिखेंगे। आइए जानते हैं अब चा कैसे लिखेंगे। तो चा को देखिए, ये राइट साइड पे थोड़ा झुका हुआ ऐसे लाइन पर लाइट रेखा बनती है इसकी, एकदम देखिए ये लाइट रेखा है। जबकि जैसे मैंने खा में कट किया हुआ था उसी प्रकार मैं छा में कट करूंगी। ये देखिए, जैसे मैंने चा बनाया था लाइट, वैसे ही मैंने छा बनाया लाइट। छा को अब मैं खा की तरह कट कर दूंगी ऐसे, ये लीजिए बन गया हमारा छा, है ना आसान। अब ये देखिए, अब मैं आपको जा बताती हूँ। देखिए जैसे कि हमने गा डार्क बनाया हुआ था ठीक उसी प्रकार अब हम भी जा बनाएंगे डार्क। डार्क ये देखिए हमने बनाया और ये देखिए हमने लाइन पर बनाया। चा का डार्क जा होता है और छा का डार्क झा होता है। तो आइए जानते हैं झा कैसे लिखेंगे। झा हम ऐसे लिखेंगे, जा जैसा उसमें कट लगा देंगे। मैं आपको बता दूं कि इया का वर्णाक्षरों में यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम शॉर्ट हैंड में इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इया को हम लाइट ना के रूप में लिखते हैं। ये आधा चंद्रमा है और इसको हम आधा चंद्रमा लिखते हैं, आधा ये ना लिखते हैं। हमने अंगा डार्क बनाया हुआ था जबकि हम इया लाइट बनाएंगे, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने ता की ओर।
आइए जानते हैं ता कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ता भी हम च की तरह एकदम लाइट लिखेंगे। ये देखिए, हमने का लाइट लिखा, चा लाइट लिखा और टा लाइट लिखा। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं और आप ध्यान रखिए कि हमारा सीक्वेंस खराब ना हो। ये खा कट वाला था, लाइट था। ये छा कट वाला था, लाइट है। और ये था, आप बताइए कैसा बनेगा। ये था ऐसा ही ता के जैसा लाइट बनेगा और इसमें एक कट बनेगा। ठीक है ना, आसान। आप भी जल्दी सीखेंगे। इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक कि ये कंठस्थ ना हो जाए। शायद मेरी लाइन थोड़ा टेढ़ी लग रही है, इसलिए मैं इसको इरेज करना चाहूँगी। ये लीजिए, मैंने इरेज कर दी है। ये ठा यानी टा वर्ग जो होता है, ये 90 अंश पे लाइन पर बनता है। ये सारे वर्ण मैं जितने बता रही हूँ, ये सारे लाइन पर बने हुए हैं। ये लाइन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मेरा डा कैसा बनेगा। तो डा एकदम हमारा 90 अंश के कोण पर एकदम सीधी रेखा बनेगी। ये देखिए, गा, जा और डा, ये तीनों हमारे डार्क बने हुए हैं और लाइन पर है। हमारा कोई भी वर्ड अभी लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, सारे वर्ण लाइन पर ही होने चाहिए। अब आप बता सकते हैं कि धा कैसा बनेगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि धा ऐसा बनेगा। धा का डिट्टो वैसा ही बनेगा और डा का धा में कट लगा देते हैं। ये देखिए, ये बन गया मेरा धा। लाइन पर रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अड़ा है, अड़ा को हम ना कहते हैं। अगर आप प्रोनंसिएशन इसका करेंगे तो अड़ा का ना निकलता है। अड़ा को जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना वैष्णवी, ये होता है रियल, लेकिन हम इंग्लिश में लिखते हैं वैष्णवी। इसलिए ये अड़ा हमारा ना के बराबर होता है, इसलिए हमारा ना आधा चांद ऐसा बनता है। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे। कहीं कहीं हो सकता है आपको अड़ा ऐसा मिले, मैं आपको और में बता रही हूँ। ये देखिए, ऐसा कहीं कहीं और में हमें ऐसा मिलेगा। ये हमारा रा है, ये दोनों हमारे रा है। रा में दोनों में कट लगा देंगे तो ये अड़ा बन जाएगा। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ, ये आपको दोनों ही चीज़ें शायद देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अगर आपके पास इस तरह की अभी प्रेजेंट टाइम पे नोटबुक नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार की जो हिंदी की नोटबुक आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आप सभी को ये सारे वर्णाक्षर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं एक बार और बताना चाहूँगी। तो आइए जानते हैं हम का कैसे लिखेंगे। ये देखिए, का है हमारा, इसको मैंने लाइन पर एकदम लाइट 180 डिग्री पे देखा खींची हुई है। ठीक है, इसी में हम खा में आते हैं। तो हमने खा में कट लगाया हुआ है का के जैसा। ठीक है, तो अब हम गा में आते हैं। तो गा का हमने डार्क का जैसा बनाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमने गा जैसा बनाया हुआ है और घा में, घा के लिए हमने इसमें कट कर दिया। अंगा में ध्यान रखिएगा, अंगा में ये चांद यानी कि ये जो चिन्ह है ये डार्क बनेगा, जबकि इया और अड़ा में ये चिन्ह लाइट बनेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आइए अब हम चलते हैं चा की ओर। तो ये देखिए, चा भी हम लाइट ही बनाएंगे। ये ऐसे राइट साइड थोड़ा झुका हुआ बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना है, ये नॉर्मल झुकेगा। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा झुका दिया तो ये गलत माना जाएगा, वो रा माना जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि का जो होता है ये लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। का वर्ग, ये हमारा का वर्ग हो गया और ये लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। जबकि चा वर्ग जो है हमारा, ये हमारा चा वर्ग है। चा वर्ग हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा राइट साइड के झुकाव में। ध्यान रहे, इसको ज़्यादा नहीं झुकाना है। आइए चलते हैं छा की ओर। तो देखिए, मैंने चा की तरह छा को बनाया हुआ है लाइट और इसमें हमने कट किया। आइए अब हम चलते हैं जा की ओर। जैसा कि आपने देखा कि ज डार्क बनेगा चा की तरह। ये देखिए,
ठीक उसी प्रकार जा का डार्क झा बनेगा और उसमें कट लगेगा। इया को हम लाइट बनाएंगे ना की तरह और अर्ध चांद बनेगा वो, ठीक है। अब हम आते हैं टा वर्ग की ओर। देखिए टा वर्ग हमारा सीधा 90 अंश के कोण पर लाइन पर बनेगा और वो भी ऊपर से नीचे की ओर ही बनेगा। ठा वर्ग में ठीक इसी प्रकार टा का कट कर देंगे हम तो वो ठा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार डा में हम टा का डार्क करेंगे तो वो डा बन जाएगा और डा का अगर हम कट करेंगे तो ढा बन जाएगा। और ये देखिए ये है हमारा आड़ा, मैंने बताया आपको दो तरीके से बनेगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज देने जा रही हूँ, आपको अब वो करना है और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड होगा। ओके चलिए अब चलते हैं सेंटेंस वर्ड की ओर, हमारे होमवर्क की ओर। ये इरेजर कहाँ है? डार्क लाइट बता दो। बता दूंगी अभी, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज दे दी है, ये देखिए ये लाइट बना हुआ है। आप गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है वैष्णवी लर्न स्किल। ओके तो आइए जानते हैं एक्सरसाइज। ये देखिए ये मेरा का है, ये मैंने ना बनाया हुआ है। खैर मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ बट ये आपको खुद से भी करना है, एक दो घंटे बाद आप करेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करना है। ये देखिए ये लाइट बना हुआ है, ये भी लाइट बना हुआ है। अब आप ये बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। ये डार्क बना हुआ है और ये राइट साइड पे झुका हुआ डार्क बना हुआ है, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं, मैं अपने वीडियो को और सुधार करूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।